अब देख सकते हैं ये मेरी एक गलती की वजह से जो हमारा ग्रूट है उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ जो कि मेरे टैंक का है। वो सीक्रेट क्या है कि मेरा टैंक इतना क्लीन कैसे रहता है और मैं इसे कैसे मेंटेन करता हूँ। और मैं अपना फिल्ट्रेशन सिस्टम अभी रीस्टार्ट करने वाला हूँ फिर से, और उसके बाद ये टैंक और भी ज़्यादा क्लीन लगने लगेगा और मुझे बार बार इसे साफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो यही होने वाली है कि हमारा जो सम्प है उसे हम फिर से रीस्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैं कैसे उसे लगाता हूँ, मैं उसमें कौन सा मोटर यूज़ करता हूँ और हमारे सम्प में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब आपको आज दिखाने वाला हूँ मैं। अब देख सकते हैं मेरा पानी की क्वालिटी अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन फिर भी अभी समर सीज़न आ चुका है तो पानी को ठंडा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठंडा पानी कैसे रखेंगे हम, बहुत सारा ऑक्सीजन लगा के। देख सकते हैं मेरे पास कितने सारे ऑक्सीजन है। ये ऑक्सी ट्यूब है और ये हमारा इंटरनल फिल्टर है। और अभी हम एक सम्प ऐड कर देंगे तो इससे हमारा जो पानी का टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा कूल रहेगा, तो वही आज हम लगाने वाले हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं वो कहाँ लगाने वाले हैं, कैसे लगाने वाले हैं और क्या लगाने वाले हैं। और ये सब मैंने बहुत पहले ही बनवाया था और वो पहले चलता था, लेकिन फिर बीच में मैंने बंद कर दिया था क्योंकि ठंडी आ चुकी थी और वो हमारा मोटर ख़राब भी हो चुका था इस वजह से। तो आज हम फिर से रीस्टार्ट करने वाले हैं और आज हम उसे रीस्टार्ट कर ही रहे थे तो आज हमारा जो ग्रूट है वो टूट चुका है। अब देख सकते हैं ये मेरी एक गलती की वजह से जो हमारा ग्रूट है उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। और ये देख के मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। मैं इसका जो टॉप है उसे निकाल रहा था क्योंकि मैं इसमें आज फिल्टर लगाने वाला था। मैं जो इंटरनल फिल्टर जो सम्प है हमारा उसको हम चालू करने वाले थे, तो उसके चक्कर में ये गिर चुका है। तो मुझे थोड़ा सा दुख तो हो रहा है, हमारा बेचारा छोटा सा ग्रूट टूट चुका है। तो अब चलते हैं इसका फिल्ट्रेशन लगाते हैं, अब ये तो टूट ही चुका है, और इसे क्लीन करते हैं। तो ये हमारा प्लांट है, ये भी अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है तो हम इसे अभी निकालने वाले हैं और फिर से हम इसमें नया लगाएंगे। जब पानी इसे रोटेट होगा तब हम इसे लगाएंगे और आपको हम दिखाते हैं हमारा सम्प। ये है हमारा सम्प एरिया, ये 3 लेयर्स में बने हुए हैं, आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। अब देख सकते हैं ये हमारे 3 लेयर बने हुए हैं। यहाँ पे स्पॉन्ज रखा हुआ है बहुत सारा और सेकेंड वाले पे इंटरनल फिल्टर के लिए बायोमीडिया वगैरह है, एक्टिवेटेड चारकोल है, और लास्ट वाला मोटर के लिए खाली है। तो ये भी थोड़ा सा गंदा है क्योंकि यहाँ बहुत दिन से कोई मूवमेंट हुई नहीं है, तो हम ये थोड़ा सा बस इसे क्लीन करेंगे लास्ट वाले को, फिर वो बाकी रोटेट होके वाटर अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा, देख सकते हैं। तो चलिए हम उसे थोड़े से क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें एक मोटर डालने वाले हैं। वो मोटर दिखाता हूँ मैं, वो कौन सा मोटर है, कहाँ से मिलेगा आपको और कितने का मिलेगा। तो चलिए इसे पहले क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको मोटर दिखाते हैं। तो हमने सम्प का वाटर थोड़ा सा क्लीन कर लिया है और जो नीचे जो डर्ट है वो नीचे पे है, वो काफ़ी अच्छी तरह से जम चुके हैं तो उसे वो क्लीन नहीं कर सकते। तो इतना क्लीन काफ़ी है क्योंकि मैंने इसमें नया वाटर भी डाल दिया। और एक बात का आप ध्यान ज़रूर रखें कि जब इसमें आप वाटर डालें तो थोड़ा ज़्यादा वाटर ऐड कर दें, क्योंकि पहले मैं सिर्फ यहाँ तक वाटर रखता था जो हम 4 इंच का ऊपर का जगह छोड़ दिए थे, लेकिन हम अभी इसे ऊपर तक भरेंगे थोड़ा सा। उससे क्या होगा कि हमारा जो मोटर है पंप वो पानी थोड़ा ज़्यादा जल्दी जल्दी खींचता है, तो इस वजह से वो पानी जल्दी खींचेगा और पानी का लेवल यहाँ तक आ जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने हमारा मोटर को वहाँ नीचे फिट कर दिया है, फिट मतलब रख दिया है नीचे। और ये हमारा जो पाइप है आप देख सकते हैं पाइप है वो बाहर आ गया थोड़ा सा, हम इसको चाहे तो काट भी सकते हैं लेकिन हमें काटने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो ये ऐसे ही रहने वाला है। तो चलिए इसे स्टार्ट करके दिखाते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। और सबसे पहली बात, हम इसे ये मनी प्लांट है जो ये अभी तक ड्राई नहीं हुआ है लेकिन हम इसे फेंकने वाले हैं क्योंकि ये ग्रोथ कर भी नहीं रहा है। और इसके रूट देख सकते हैं जो हमने स्पॉन्ज में डाले थे बहुत ही स्लो हो रहे थे, और मुझे लगता है ये क्यों हो रहे थे कि क्योंकि हमारा जो वाटर रोटेशन यहाँ पे हो नहीं पा रहा था अच्छी तरीके से। तो हम यहाँ बस एक ही जो हमारा मनी प्लांट है वो रखेंगे, बाकी को हम फेंक देंगे। लेकिन ये भी अच्छा था,
लेकिन जो हमारा गप्पी टेंगा मनी प्लांट है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है, हम वो आपको नेक्स्ट वीडियो पे ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन ये हमारा पता नहीं क्यों वर्क नहीं कर रहा था, तो चलिए हम इसे अब क्लीन कर स्टार्ट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है और हमारा टैंक और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगेगा। तो हमने प्लग लगा दिया है और हम करते हैं इसे ऑन और देखते हैं क्या होता है। अब देख सकते हैं हमारा पंप कितनी अच्छी तरीके से ऑन हो चुका है और कितनी ज़्यादा फ्लो दे रहा है, और इससे हमारे टैंक में बहुत सारे ऑक्सीजन बबल जनरेट हो रहे, देख सकते हैं। तो इससे हमारा टैंक काफ़ी ज़्यादा कूल रहने वाला है और जो हमारा जेलीफिश है वो भी बहुत अच्छी तरीके से स्विम करने वाला है, वो इधर से उधर होने वाला है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखिए हमारा टैंक अब बहुत अच्छा क्लीन लगने लगेगा और भी ज़्यादा, क्योंकि जो सारे डर्ट्स है वो नीचे देख सकते हैं, जो डर्ट है मैं थोड़ा इंटरनल फिल्टर को नीचे लगाने वाला हूँ ताकि जो सारे डर्ट है वो ऊपर जाके रोटेट होके हमारे सम्प में चले जाए और वहाँ स्पंज हमारा उसे कैप्चर कर ले। देख सकते हैं ये एक ऐसा वाटरफॉल जैसा लग रहा है कि यहाँ पे एक वाटरफॉल है, यहाँ कितनी अच्छी तरीके से वाटर नीचे गिर रहा है और हमारे सम्प के पास जा रहा है, मोटर के पास। तो आप भी ये फ़िल्टर ज़रूर बनवा लें अपने अगर बड़ा टैंक है तो आप देख सकते हैं। और आप एक और चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि देख सकते हैं जो हमारा जो सम्प है, पहले वाटर लेवल बहुत ऊपर था लेकिन अचानक से नीचे हो गया, तो मैं इसी की बात कह रहा था कि वाटर लेवल आप थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए तो आपका वाटर थोड़ा अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं ये है हमारा फिश टैंक, अभी थोड़ा काफ़ी गंदा हो चुका है तो हम फिल्ट्रेशन लगा चुके हैं, तो अब देखना क्लीन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हम अभी इस जेलीफिश को फिट करने वाले हैं बीच में कहीं पे, और ये टैंक फिर ये जेलीफिश ऐसे ही घूमते रहेगी इधर से उधर, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं और जेलीफिश को लगाते हैं बीच पे कहीं। तो ये थी हमारा सम की टेक्निक होती है, जो तो ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है, और अगर आपका बड़ा टैंक है और अगर आप कैनिस्टर फिल्टर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सम लगाना बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि आप इसे खुद भी बनवा सकते हैं। देख सकते हैं मैंने इसे बस इसमें 6 फिट 6 इंच के उसमें बनवाया है, जो इसकी विड्थ है वो 6 इंच की है, तो 6 इंच में आप देख सकते हैं 3 स्टेप बन चुके हैं, 3 लेयर बन चुके हैं, और कितनी अच्छी तरीके से हमारा सम्प रेडी हो चुका है। और ये थी जो मेरी सीक्रेट, जो कि मेरी वाटर क्लीन होने की, वो यही थी। इस वजह से मेरा वाटर बहुत ज़्यादा क्लीन लगता था और प्लेको फिश की वजह से मेरा ग्लास भी बहुत क्लीन है। तो ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर कीजिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में RTC की फीडिंग के लिए एक फूड लाने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलें उस वीडियो के लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।